सो so गाइज आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी बिजनेस को शुरू करके आप कैसे आगे निकल जाते हो कौन सा तरीका होता है कि कारोबार करके आप उसको ग्रोथ उसको प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि कोई भी कारोबार खुद से नहीं चलता थोड़ा बहुत इंसान को भी एफर्ट करनी पड़ती है आपकी कुछ दो चार चीज़ों से ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाते हैं और उसमें अल्लाह पाक बरकत भी अदा करता है अब मैं आपको बताता हूँ कि कारोबार में सबसे ज़्यादा यानी कारोबार को भी आप साइड पर कर दें ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला क्या है लोगों के साथ ओनरशिप का लोग किसी चीज़ को ओन ही नहीं करते मैंने खुद ये बात देखी है कि लोगों के पास जो भी सामान होता है जो भी ज़रूरत अशिया की चीज़ें होती हैं वो उनको ही नहीं ओन कर रहे होते अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मिसाल के तौर पे आपके पास एक चीज़ पड़ी है इस्तेमाल में नहीं आ रही काफ़ी दिन से दो साल हो गए आपने चीज़ इस्तेमाल नहीं की तो फिर आप क्या करेंगे उस चीज़ का अब मैं आपको बताता हूँ क्लटर एक वर्ड यूज़ किया जाता है क्लटर क्लटर लिख के सर्च करें अभी इसी वक्त गूगल पर आपको समझ में आ जाएगी कि आप कितनी कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पड़ी होती हैं और हमें लग रहा होता है ये काम की हैं मतलब कोई भी चीज़ अगर अम्मी हमारी उठाने लगें फेंकने लगें दराज से निकाल के हम बोलते हैं नहीं नहीं ये काम आ जाएगी आप रखें ज़रा इसको और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हम फेंकना चाहें घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं ये कभी भी काम आ जाती है इसको रखो संभाल के और इसी चक्कर में वो चीज़ कभी ना तो काम आ रही होती है ना इस्तेमाल हो रही होती है और आपके घर में क्लटर भरता जाता है एक साइंस ने तहकीक़ की है कि जिन लोगों के घर में क्लटर ज़्यादा होता है क्लटर क्या होता है अब मैं आपको मिसाल देता हूँ मैं आपको समझाता हूँ आपने आपके घर पर थर्टी डायरीज़ पड़ी हुई हैं तीस डायरियाँ पड़ी हुई हैं जो कि बिल्कुल फ़्रेश हैं बिल्कुल समझ लीजिए न्यू हैं या उनको अनयूज हैं यूज हुई भी बिल्कुल न्यू हैं अब वो तीस डायरियाँ पड़ी हुई हैं आपको लग रहा है कि मैं इनको इस्तेमाल करूँगा इनको ज़रा संभाल के रखी हुई हैं आपने अब वो पिछले दस साल से रखी हुई हैं आप तो इतना कल काम करते ही नहीं कि डायरियों की ज़रूरत पड़े या आपको मेंशन करना पड़े बिज़नेस के बारे में या कुछ चीज़ों पे और वैसे भी अब तो टाइम ही नहीं रहा लोगों के पास मोबाइल खुल जाता है डायरियाँ कौन लिखेगा बैठ के या डायरी में मेंशन कौन करेगा मैनुअली कहाँ लोगों के पास बेचारे ऑफिस से थके आ रहे आते हैं कौन डायरियाँ को संभालेगा लेकिन वो डायरियाँ पड़ी हुई हैं डायरियाँ कह लीजिए या फिर कोई ऐसे प्लास्टिक के बाउल्स पड़े हुए हैं जो कभी इस्तेमाल ही नहीं होने बस आपने एक, एक, एक एक्स्ट्रा चीज़ संभाल के रखी हुई है कि मैं इसको इस्तेमाल करूँगा ठीक हो गया जी या फिर कोई ऐसी बॉटल्स पड़ी हुई हैं आपके पास मिसाल के तौर पे पेप्सी की बॉटल खाली हो जाती है और आप उसको जमा करते चले जाते हैं करते चले जाते हैं कि पानी भर के रख लेंगे बट कभी किसी ने पानी भरा नहीं उसमें आज तक इन चीज़ों को कहा जाता है क्लटर जो इस्तेमाल भी नहीं हो रही पड़ी भी, भी हैं आप फेंक भी नहीं रहे जिन घरों में ये क्लटर ज़्यादा होता है वो घर या वो कंपनी या वो बिज़नेस या वो जगह या ब्रीडिंग सेटअप वो पीछे जाता जाता है आपके सेटअप पे अगर कोई ऐसे डब्बे पड़े हैं जो आपके इस्तेमाल में नहीं आ रहे भाई आप उनको उठाओ और जिस किसी बंदे को दे दो गिफ्ट कर दो या सेल कर दो चलो अगर गिफ्ट करने का दिल नहीं कर रहा उसको बेच दो अगर कोई चीज़ पड़ी है इस्तेमाल नहीं हो रही आपके इस्तेमाल में नहीं उसको बेचो फ़ौरी तौर पर क्लटर से जान छुड़ाओ अपनी जगह को और ये बात मैं मानता हूँ कि जैसे ही आप क्लटर निकाल के दे देते हो किसी को ठीक उसी के पाँच दिन बाद आपको उसी क्लटर की ज़रूरत पड़ती है अच्छा ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप दूध के सामने खड़े रहें वो नहीं उबलेगा कभी नहीं उबलेगा वो आपके सामने कभी नहीं उबलता दूध जैसे ही आप पीछे मुड़ते हो चले जाते हो दूसरे कमरे में वो उसी वक्त उबल जाता है जानबूझ के दूध आपको देख रहा होता है कि मैं अगर इसके सामने उबलना शुरू हो जाऊँगा तो चूल्हा बंद कर देगा तो हमेशा दूध बंदे का वहाँ से जाने के बाद ही उबलता है यानी कि बंदा हटा नहीं और दूध उबला नहीं मेरे साथ ये कई बार हुआ है दूध उबलने रखे और हमेशा ही गिरा है गिरता पता नहीं गाय के लिए तो क्लटर भी ऐसे ही है कि 10 साल इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन जिस दिन आप दे, दे देंगे उसी के ठीक 10 दिन बाद इस्तेमाल की जरूरत पड़ जाएगी उसकी अब आप सोच रहे हो गया है बिलावजा दे दिया पछताएं मत उस टाइम आप नया खरीद लेना आप सोचो मैं नया ले लूँगा भाई कोई मसला नहीं जो पुरानी चीज़ें गंद मंद बला गंद बला पड़ा हुआ है उसको निकालो उसको बेचो आप उसको ख़त्म कर दो आप सोचो कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई तो भाई मैं ले लूंगा और मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है इतना वो पूरा खराबा करने की सारा अपना जो है ना स्पेस अपनी घेरने की कम चीज़ें रखें क्लटर साइड पे कर दें वो चीज़ें रखें जो टॉप ट्रेंडिंग है आप उनको इस्तेमाल करते हो या लोग उनको ख़रीदते हो या आप कारोबार कर सकें उसका अब आप बोलेंगे भाई ओनरशिप कहाँ गई जो ये ओन करने की बात कर रहा था अब मैं आपको बताता हूँ ओन करने की बात क्लटर पड़ा हुआ है ना अगर आप वाकई में उसको ओन करें तो आप फौरी तौर पर सेल कर दें उसको भैया अगर आप समझें ये क्लटर है ये मेरा पड़ा हुआ है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रहा लेकिन मेरी चीज़ है तो इसको फायदे में ले आते हैं इसको बेच देते हैं तो वो आपके फ़ायदे में आ गई ठीक है जी अब इसको कहते हैं ओन करना कि आपने चीज़ को ओन किया हुआ था इसीलिए आपको फिक्र हो रही थी अगर आप उसको पड़ा रहने देते ना बेचते तो इसका मतलब है आप ओन ही नहीं कर रहे वरना आपको फिक्र तो होती कि ये पड़ा हुआ क्यों है क्यों चीज़ पड़ी हुई है बिला वजह दो दो साल से चार चार साल से इसको कहते हैं ओनरशिप आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप उठा के पटकते हैं फेंक देते हैं आप कोई नया फ़ोन लेते हैं शुरू में आप उसको कपड़ा वपड़ा मारते हैं रातों को जाग जाग के देख रहे होते हैं और उसको बड़ा एहतियात से यूज़ करते हैं फिर ठीक एक साल बाद आप उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं नीचे गिर गया फट गया टूट गया कभी लटका के चले गए बाथरूम में पेंट से जो है ना निकल के जेब से नीचे गिर गया या बाल्टी में गिर गया तो ये ओनरशिप ओन own करना किसी चीज़ को बहुत ज़रूरी होता है जब आप ओन करते हैं तो आप चीज़ों की केयर करते हैं कौन सी चीज़ केयर करने वाली है किसको मैं रखूं किसको नहीं रखूं कौन सी चीज़ खरीदूं कौन सी बेचूं इसको कहते हैं ओनरशिप सो so सोगाइज़ ये है कैनरी सीड दानों में सीड्स में सीड्स का बादशाह परिंदे इसको बहुत शौक से खाते हैं डालकर दिखाना ज़रा आप इसको ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं पूरे कराची में हम सप्लाई करते हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम है दाने का और ये देख लें तरीक़ेकार सफ़ाई कितनी है और इतना लिमिटेड स्टॉक लेकर आते हैं इतना लिमिटेड स्टॉक लेकर आते हैं कि आपके सामने है और ये फ़्रेश आता है और ये फ्रेश देखें दाने देख लें कितने सेपरेटेड हैं और ट्रांसपेरेंट पाउच में मिलता है सो गाइस ये देख लें ट्रांसपेरेंट पाउच में है इसका वेट दाने का वेट अलग है प्लास्टिक पाउच का वेट अलग है दाना पूरा एक किलो है तो दाने में बचत होती है पंद्रह रुपये की और बीस रुपये का खाली ये पाउच है आप बेशक हमसे से चालीस किलो लो लेकिन हर किलो आपको अलग अलग पाउच में मिलेगा यही फिनिशिंग है ताकि आपको नजर आ सके कि मट्टी है या नहीं है दाने में पत्थर हैं या नहीं है हमारा वो काम नहीं है कि चालीस किलो पकड़ा और बोरे के अंदर फिट कर दिया और इतना कम स्टॉक मंगवाते हैं कि हर महीने हर हफ्ते हर दो हफ्ते बाद नया स्टॉक आ रहा होता है हमारा तो ऑल स्टॉक इज़ फ्रेश आप देख सकते हैं ये तमाम स्टॉक चेक कर सकते हैं तो बहुत अच्छा काम है अगर आपको मंगवाना है ऑर्डर पर तो आप हमसे मंगवा सकते हैं मंगवाने का तरीका ये है दाना लिख के हमें वाट्सअप पर सेंड कर दें मेरा व्हाट्सअप का नंबर है जीरो थ्री फोर नाइन डबल टू ट्रिपल ज़ीरो फोर फाइव अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो लोग नौकरी करते हैं ना उन लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो उस जगह को कभी ऑन नहीं करते अब वो ऑन क्यों नहीं करते उनको लगता है हम तो नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर ये तो किसी और की जगह है तो यहाँ से काम ख़राब होना शुरू होता है ठीक है अगर वो ये मान लें कि जी हमारी जगह है सिर्फ ओनर की नहीं है यहाँ पे हमारा भी रोज़गार लगा हुआ है दिल में ये सोच लें कि देखा जाए तो हम भी तो ओन करते हैं ना अगर हम गलत काम करेंगे तो जगह गलत हो जाएगी या हमारा नौकरी छूट जाएगी या सैलरी कम हो जाएगी या अगर हम कंपनी को फ़ायदा पहुँचाते हैं या मालिक को या कारखाने को अगर हम फ़ायदा पहुँचाते हैं तो मालिक खुश होगा इस जिस जगह चलती रहेगी हमारा रोज़गार बना रहेगा हमें क्या ज़रूरत है कोई ऐसा उल्टा सीधा यानी कि कोई किसी किस्म की भंड मार के काम को रोकने की या काम को ख़त्म करने की हम ओन ही नहीं करते फैक्ट्री में जाने वाले जितने भी मुलाजमी होते हैं आप कभी उनको देखें ज़रा औज़ार पड़े छोड़ जाते हैं ठीक है जी कोई औज़ार आगे पीछे हो गया नहीं पता चलता उनको कोई चीज टूट गई उनको नहीं पता चलता तो वो लोग कभी भी ऑन ही नहीं करते इसीलिए वो ओनर बन भी नहीं पाते कभी ठीक है अब मैं आपको मिसाल देता हूँ एक <coughs> मैं सोनू की वीडियो सोनू की वीडियो देख रहा था सोनू मोटिवेशनल स्पीकर जो है उसकी वीडियो देख रहा था तो मुझे अपने बचपन की एक बात याद आ गई अब मैं आपको बताता हूँ कि उस बचपन की बात मुझे क्या याद आई मैं जब अपनी क्लास में से निकलता था ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं अहसन जफ़र कराची से ये बता रहा हूँ आपको कि जब मैं अपने स्कूल में अपनी क्लास से निकलता था ब्रेक के टाइम या छुट्टी के टाइम तो मैं देखता था कि सब चले गए क्योंकि सबसे आखिर में मैं जाता था क्लास से क्योंकि हमारी वैन लेट आती थी तो हम लोग थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके फिर जाते थे बाहर धूप बहुत होती थी तो हम हमें अलाउ था कि आप क्लास में बैठ सकते हैं और हमारा स्कूल बहुत बड़ा था फोर्स का स्कूल था तो बहुत बड़ा स्कूल था तकरीबन चार ग्राउंड तो स्कूल के अंदर आते थे एक ग्राउंड स्कूल के बाहर था जहाँ वैन्स वगैरह खड़ी होती थी तो बहुत बड़ा स्कूल था इसलिए वहाँ पे धूप गर्मी लंबा लंबा चल के जाना गेट तक यानी क्लास से गेट तक जाने में काफ़ी जो है ना खुआ हो जाती थी तो हमारी वैन देर से आती थी हम क्लास के अंदर बैठ रहते थे तो मैं आपको बताता हूँ जब सब लोग चले जाते थे ना मैं देखता था कि जब मैं जा रहा हूँ तो मेरे बाद भी कोई इक्का दुक्का लोग जाते थे कई बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह आया हूँ पहले तो मैंने देखा कि लाइटें और पंखे उसी तरह खुले में जिस तरह हम दोपहर को खुले छोड़ गए थे तो मैं क्या करता था कि जब भी मैं क्लास को छोड़ता था मैं पंखे लाइटें ऑफ करता था तो मेरे साथ एक दोस्त होता था उस वक्त मैं उसका नाम नहीं लूँगा ही वॉज़ इनोसेंट वो मासूम था उसने वैसे ही मजाक में कहा कि आप छोड़ दे जल्दी चलते हैं कौन सा तूने बिल भरना है तो उसने ये कहा था तो मैंने कहा नहीं यार बिल जिसका भी हो चीज़ तो ज़ाया ही होगी ना इलेक्ट्रिसिटी ज़ाया ही होगी चलो बिल स्कूल वाले पे कर देते हैं हम फीस भी देते हैं लेकिन चीज़ तो ज़ाया ही हो रही है ना जब कोई बंदा नहीं है तो वो जल रही है और मुल्क की एक चीज़ कम हो रही है मुल्क की एक चीज़ कम हो रही है तो मैं छोटा सा था लेकिन हमारे घर में सकती थी जिस कमरे से उठो बेटा लाइट ऑफ़ करके पंखा ऑफ़ करके वाशरूम से निकलो पहले लाइट ऑफ़ करो तो वो चीज़ मैंने फिर स्कूल में भी हमारे एक हमारी अंदर बैठ गई थी वो चीज़ तो मैं स्कूल में निकलता था स्कूल से तो मैं लाइटें पंखे बंद करता था तो मैं उस जगह को ऑन करता था हालाँकि वो स्कूल मैं उसका मालिक नहीं था ना वो स्कूल मैं चला रहा था मैं तो वहाँ पे स्टूडेंट था मैं तो वहाँ पे नौकर था एक तलब इलम था लेकिन मैं उस जगह को ओन करता था ठीक है जी और मैं उस वक्त एक समझे के नॉर्मल से घर से ताल्लुक रखता था नौकरी पेशा लोग थे मेरे घर में सारे आज भी नौकरी पेशा हैं लेकिन मेरे अंदर ओन करने वाली आदत थी तो इसीलिए अल्लाह पाक ने मुझे एक छोटे से चैनल का ओनर बना दिया ओनर बना दिया मुझे क्रिएटर बना दिया जो शुरू से चीज़ों को ओन करना जानते हैं ना उन्हें ही अल्लाह ओनर बनाता है अगर आप हर चीज़ छोड़ दें अब हो जाएगा अब कल लेंगे ना अब छोड़ना यार या देख लेंगे कल कर लूँगा देख लूँगा कौन सा कोई इतनी बड़ी बात हो गई कौन सा कोई इतनी बड़ी बात हो गई तो कई लोगों के लिए जब तक कोई मर नहीं जाता तो इतनी बड़ी बात होती ही नहीं है नाउजुबिल्ला कई लोगों के साथ ऐसे होता है कि वो किसी चीज़ को बड़ा नहीं समझते तब तक कि जब तक कोई बेचारा मर ना जाए मतलब कोई मरेगा तो ही उनके लिए बड़ी बात होगी वरना वो हमेशा ये बोलेंगे कौन सा कोई इतनी बड़ी बात है कौन सा कोई इतनी बड़ी बात है तो चीज़ों को ओन करना सीखें चीज़ों को ओन करें बेशक आप ओनर हो या नहीं हो जो ओनरशिप की जो आदत है ना ये आपको आगे लेके जाती है अंग्रेज़ी का एक बहुत ही मशहूर मुहावरा है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा कारोबार कोई भी करो यार परिंदों का करो बाल्टियाँ बेचो प्लास्टिक की मग्गे बेचो जाके देगचियाँ बेचो साइकिल पे जाके चने बेचो चाट बेचो दुकान खोलो शोरूम बनाओ जो कारोबार करना है करो लेकिन जो मेरी बात है ना वो हर कारोबार में अप्लाई होती है चीज़ों को ओन करने वाली जो आदत होती है ना ओन करने का मकसद ये नहीं होता कब्ज़ा करना या किसी को चीज़ को अपना समझना नहीं काम को ज़िम्मेदारी को अपना समझना किसी की जगह का एहसास करना अगर नौकरी कर रहे हो तो उस जगह का एहसास करना नहीं यार हमारा भी तो काम चलता है यहाँ पे हम इसको प्रॉपर क्यों ना करके निकलें इस चीज़ को कहा जाता है इस चीज़ को मुहावरतान कहा जाता है कि आप ओन करो इस चीज़ को ओन का मतलब ये नहीं होता आप एक दूसरे को चमाटे करा रहे हो ये मेरा है वो मेरा ये मेरा है। ये नहीं बात कर रहा मैं तो ये चीज़ें होती हैं ये आदत आपको आगे ले जाती है अंग्रेज़ी की एक बहुत मशहूर मिसाल है फ़ेक इट अनटिल यू मेक इट इसका मतलब ये होता है कि आप कोई अगर चीज़ के काबिल नहीं हो लेकिन एटलीस्ट आप समझ तो सकते हो दिल से तो आप समझ सकते हो फेक तो सोच सकते हो कि हाँ यार मैं तो हूँ इस चीज़ के काबिल क्यों नहीं हूँ मैं अपना बिहेवियर ऐसा रखूँगा मैं अपना मैार ऐसा रखूँगा क्या अल्लाह पाक मेरे लिए भी कल को कुछ ना कुछ करेगा तो इस तरह से जब चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी और मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जितने लोग मेरे वीडियोज़ देखते हैं वो लोग आगे बढ़ें आगे बढ़ें ज़िंदगी के लिए कुछ करें आगे चल कर कुछ सोचें अपने लिए कुछ करें अब कई बार कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका बर्ड्स से लेना देना नहीं होता लेकिन मैं वो कहाँ जाके करूँ आप मुझे बताएं मेरा चैनल बर्ड्स का है लोग मुझे बर्ड्स के हवाले से जानते हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं ज़िंदगी की सिखा देता हूँ सामने परिंदे की फुटेज चल रही होती है और कहीं कभी कभार कुछ अनपढ़ लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे लो तबके के होते हैं आ, लो एरिया के होते हैं जैसे कुछ ऐसे एरियाज़ हैं कराची में जो स्लम एरियाज़ हैं और आ, मतलब इतनी तरबियत उनकी नहीं होती तो वो ये अक्सर बोलते हैं कि यार वीडियो कॉकटेल की चल रही है बात आप कुछ और कर रहे हो वो कभी सुनेंगे नहीं कि हो क्या रहा है ऐसा इसलिए होता है कि कुछ लोगों के दिलों पर मोहर लगा दी गई होती है मतलब कुछ लोगों के नसीब में लिख दिया गया होता है कि वो आगे नहीं जा सकते क्योंकि उनके आमाल की वजह से या सोचें अल्लाह सब सबको जो है कामयाबी अता करे कोई मेरी दुआ है अल्लाह से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट अल्लाह ताला से मेरी हाथ जोड़ कर जो है वो दुआ करता हूँ मैं कि कोई भी बंदा इस दुनिया का हमारा कोई भी भाई कभी पीछे ना रहे मैं दुआ करता हूँ जब भी मैं कभी दुआ के लिए हाथ उठाता हूँ अपने लिए तो मैं सबके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला के आगे गिड़गड़ा के दुआ करता हूँ कि या अल्लाह कोई पीछे ना रहे जिंदगी में सब लोग खुश रहेंगे तो ही हम खुश रहेंगे मिसाल के तौर पर मैं अकेला खुश हूँ लेकिन पूरी दुनिया जो है वो आ, किसी वजह से परेशान है तो वो मुझे खुश नहीं रहने देंगे ये भी तो आप सोचें कि पूरी दुनिया का खुश होना बहुत ज़रूरी है जब बाकी के लोग ठीक रहेंगे तो ही आप उनके बीच में ठीक रह पाओगे मिसाल के तौर पर आपको पाँच भूखे लोगों के बीच में एक बर्गर दे के बिठा दिया जाए तो वो तुम्हें खाने देंगे सवाल ही पैदा नहीं होता में से किसी को भी बर्ड्स के मल्टी वाइटमिनस चाहिए तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं ऑर्डर करके ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ मैं इसको सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क के दिया जाता है इसमें कंपनी ने एक खास स्मेल डाली है जो परिंदों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और बर्ड्स जितना सॉफ्ट फूड खाते हैं इस मल्टी वाइटामिन के डलने के बाद और भी ज़्यादा सॉफ्ट फूड खा लेते हैं जिसके बाद बच्चों को फीड करवाना उनकी मजबूरी हो जाता है और आपके बच्चे कभी नहीं मरेंगे इस मल्टी वाइटमिन से और इससे हेल्थ भी अच्छी होती है और बच्चों के मुँह में भी चली जाती है जब पेरेंट्स फीड करवाते हैं तो मल्टी वाइटामिन बच्चों के लिए भी फ़ायदेमंद होती है एडल्ट पेयर्स को देंगे ये मल्टी वाइटमिन तो वो ब्रीड पर भी आना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ साथ मेरे पास और क्या इसको इसको ऑर्डर करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ आप सोच रहे होंगे मंगवाएं कैसे तो मंगवाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन उससे पहले सुन ले मेरे पास है क्या क्या चीज़ें ताकि आप सारी चीज़ें एक साथ मंगवा सकें एक ही डिलीवरी चार्जेस में मेरे पास ब्रीडिंग बूस्टर फीड भी है जो यूरो फार्मूलेटेड फीड है और ये वाहिद फार्मूला है जो मैंने बनाया था ये एक प्रोडक्ट है जो हमने बनाया जो मैंने बनाया और बेसिकली मैंने भी नहीं बनाया समझें कि इसकी वर्किंग पीछे से हुई है ऑस्ट्रेलिया कैनाडा अमेरिका से वहाँ से इसकी फार्मूलेशन हुई है और मैंने फिर वहाँ पे दो साल टेस्ट हुई है मैंने यहाँ पे एक साल टेस्ट की है रिलीज़ करने से पहले तो ये ब्रीडिंग बूस्टर है और फाइव इन वन है ये हैंड फीड भी है ब्रीडिंग बूस्टर भी है इसको हैंड फीड के तौर पे आप बच्चों को फीड करवा सकते हैं इसमें गुड फैट्स हैं जो कि बॉडी को पॉजिटिवली ग्रो करने में मदद करते हैं इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे बर्ड का लिवर फैटी हो जाए या बर्ड में फैट आ जाए किसी किस्म का सो so ये बहुत मैं खुद भी इसको, इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ एज अ ब्रीडिंग बूस्टर भी और हैंड फीड के लिए बच्चों को हैंड फीड करवाने के लिए भी ये भी आप मंगवा सकते हैं इसी के साथ साथ और सुन लें क्या क्या है हैंड फीड करवाने वाला है प्रोफेशनल इंजेक्शन भी आपको मिल जाएगा और प्रोफेशनल नीडल भी मिल जाएगी जो एक दिन के बच्चे से लेके तीस दिन तक के बच्चे को दिया जाता है वो पतली सी नीडल होती है स्टेनलेस स्टील की नीडल होती है वो भी आपको मिल जाएगी वैसे हम लोग रबर की जो नीडल होती है मोटी वाली वो हम एज अ गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं इस इंजेक्शन के साथ लेकिन अगर आपको एस की प्रोफेशनल चाहिए तो वो आपको अलग से परचेज़ करनी पड़ती है इसी के साथ साथ कैल्शियम प्लस वाइटमिन डी लिक्विड आता है जो दाने में हम मिला के देते हैं वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं सर्दियाँ आ रही हैं बच्चे बचाने के लिए मदद देती है लाइट एंटीबायोटिक ये भी आप हमसे मंगवा सकते हैं लाइट और हार्ड दोनों इस्तेमाल होती हैं ये आप हमसे मंगवा सकते हैं फिंचों में हार्ड एंटीबायोटिक की बहुत ज़रूरत पड़ती है जावा और फिंचे जो है सर्दियों में हवा बर्दाश्त नहीं कर पाती तो उसके लिए लाइट और हार्ड दोनों चाहिए होती हैं वो भी आप हमसे मंगवा सकते हैं इसी के साथ साथ एंटी लाइसिस स्प्रे भी आप हमसे मंगवा सकते हैं इससे बर्ड के जिसम के अंदर के कीड़े खुजली खारिश सब ख़त्म हो जाती है और इसी स्प्रे को आप अपने सेटअप में मार सकते हैं एज एन एंटी इंसेक्ट स्प्रे और आपके बर्ड्स को कुछ भी नहीं होगा इससे भले दाने पानी में छींटे क्यों ना चले जाए यहाँ तक कि मैं इसको अपने ऑफिस में भी मार रहा हूँ इस्तेमाल कर रहा हूँ पूरे कराची में दाना सप्लाई करता हूँ अगर किसी को घर बैठे दाना चाहिए तो वो भी मिल जाएगा हमारे पास से तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी ऑर्डर करने का तरीका ये है इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए सिर्फ मेडिसिन लिखें और मुझे सेंड कर दें मेरे व्हाट्सअप के ऊपर मेरा वाट्सअप का नंबर है जीरो थ्री फोर नाइन डबल टू ट्रिपल जीरो फोर फाइव फेसबुक पर पेज है एसन जफर ऑफिशियल के नाम से उसको फॉलो कर लें यूट्यूब पर मेरा चैनल है एसन पेट्स के नाम से सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर लेना मिलते हैं इशाला नेक्स्ट वीडियो में तब तो तक के लिए लाफिस